हेलो डॉक्टर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका या विनेगर भी कहते हैं। दोस्तों, जब भी हम होम्योपैथ की एसिड ग्रुप की मेडिसिन के बारे में सोचते हैं किसी पेशेंट को देख करके, तो सबसे पहला जो चीज़ आता है वो ये है पतलापन, दुबलापन, कमजोरी, वीकनेस। एसिटिक एसिड भी उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो पतले दुबले हैं, पीलापन हो शरीर पे, ढीला ढाला से मांसपेशियां हो जिनका, चेहरा पीला, मोम जैसा मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। वैसे तो फेरम में भी हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है कि मोम जैसा पीलापन चेहरे पे, बट सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम लेकर के चले तो एसिटिक एसिड में भी ये सिम्टम पाया जाता है। हेमरेज की बात करते हैं ब्लड डिस्चार्ज का, तो एसिटिक एसिड में शरीर के हर डिस्चार्जेबल जो पोर्शन है, जैसे कि आपका गला है, फेफड़ा है, आपका इंटेस्टाइन है, हर जगह से ब्लड डिस्चार्ज होना, ये एसिटिक एसिड की एक लक्षण है। उसके बाद गर्भाशय से ब्लड डिस्चार्ज होना, बच्चों के क्षय रोग में, क्षय रोग यानी कोई भी जो वेस्टिंग डिजीज जो होते हैं, तरह तरह के वेस्टिंग डिजीज होते हैं बच्चों में, उसमें एसिटिक एसिड बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बच्चों के मैरेस्मस में, मैरेस्मस के लिए भी एसिटिक एसिड बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। हालांकि पिछले वीडियो में एब्रोटेनम में हमने मैरेस्मस की चर्चा की थी, एब्रोटेनम भी मैरेस्मस के लिए बेहतर मेडिसिन है, लेकिन उसमें क्या था कि नीचे का जो एक्सट्रीमिटीज का सूखना ज़्यादा होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज ज़्यादा सूखते हैं। जो यहाँ पर एसिटिक एसिड का अगर हम बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड में सिर्फ नीचे का ही नहीं, पूरे शरीर में सुखंडी रोग, मतलब मैरेस्मस बच्चों का, उसमें एसिटिक एसिड बहुत ही कारगर मेडिसिन है। इसमें जब आगे चर्चा करते हैं डॉक्टर्स, तो शॉक ट्रॉमा में, ट्रॉमा किसी भी वजह से हुआ हो, जैसे कि किसी ऑपरेशन के बाद का सदमा जो होता है, या फिर किसी चोट लगने के वजह से किसी तरह का सदमा जो शॉक है, या फिर जो ऑपरेशन में जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, सेडेटिव्स यूज़ की जाती हैं, जैसे एनिस्थीसिया वगैरह, उसके वजह से किसी तरह का सदमा पहुंचा हो, उसके वजह से वीकनेस महसूस हो रहा हो पेशेंट को, कमजोरी महसूस हो रहा हो। डॉक्टर्स, अगर एसिटिक एसिड के फीवर की बात करते हैं, तो धीमा ज्वर, मतलब हेक्टिक फीवर जो होता है, उसमें एसिटिक एसिड काम करती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट का त्वचा, पेशेंट का स्किन जो है वो गर्म और सूखा होता है। पेशेंट के बाएं गाल पे, लेफ्ट चीक पे रेडनेस होता है, लाल बायां गाल उसका लाल होता है। रात में पेशेंट बतलाता है कि शरीर पूरा पसीना से भींग जाता है। इस केस में एसिटिक एसिड का हम यूज़ कर सकते हैं हेक्टिक फीवर के साथ। एसिटिक एसिड का एक फीवर में जो एक खास बात है वो ये है कि प्यास बिल्कुल ना लगना। नॉर्मली तो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड में बेहद प्यास है, बहुत ज़्यादा प्यास है, लेकिन अगर फीवर है तो एसिटिक एसिड के फीवर में प्यास बिल्कुल होता ही नहीं है। ये एसिटिक एसिड की एक खास लक्षण है फीवर के मामले में। जब प्यास की बात हुई है डॉक्टर्स, तो एसिटिक एसिड का प्यास जो होता है, बहुत ज़्यादा प्यास होता है एसिटिक एसिड में। उसके साथ साथ एसिटिक एसिड में हम ये भी देख सकते हैं कि ड्रॉप्सी है, मतलब सोथ, जो सूजन का जो प्रॉब्लम होता है, जिसे ओएडिमा भी कहते हैं, उस केस में, साथ में अगर कुछ क्रॉनिक डायरिया हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन के साथ इतना ज़्यादा प्यास कि वो बुझाए न बुझे। आदमी खूब पानी पीता है, पेशेंट खूब पानी पीता है, लेकिन प्यास उसका कहीं नहीं जाता। एसिटिक एसिड का पेशेंट आपको बतलाएगा कि वो कमर के बल लेट करके नहीं सो सकता। हालांकि कमर के बल लेट करके अच्छी नींद आना, ये आर्सेनिक का लक्षण है, लेकिन एसिटिक एसिड में क्या है कि पेशेंट आपको बतलाता है कि वो कमर के बल लेट करके सो नहीं पाता है। एसिटिक एसिड का रोगी आपको आकर के बतलाएगा कि उसके पेट में बहुत खालीपन जैसा लगता है, जैसे कि उसे पेट फील ना हो रहा हो, एक नंबनेस जैसा, जैसे एब्सेंस सा कि उसका पेट है नहीं। हाँ, यही चीज़ अगर पेशेंट आपको कहता है कि वो पेट के बल सोने में आराम मिलता है, तो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप एसिटिक एसिड के साथ साथ एमोनकार्ब के बारे में भी सोच सकते हैं। एमोनकार्ब में भी यह सिम्टम है। डॉक्टर्स, एसिटिक एसिड के डायरिया के बारे में बात करते हैं, तो एसिटिक एसिड का डायरिया बहुत कमज़ोर कर देता है मरीज को। मतलब मरीज बतलाता है कि डायरिया के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है डायरिया के वजह से, साथ में बहुत ज़्यादा प्यास रहना, जलन रहना, ये सारे लक्षणों के साथ, सारे सिम्टम्स के साथ हम एसिटिक एसिड को चूज़ कर सकते हैं।
प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, प्रेगनेंसी के दौरान भी एसिटिक एसिड बहुत सारे लक्षणों के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है, जिसमें से मरीज आपको प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, एक गर्भवती महिला जो है, वो आपको आकर के बतलाएगी कि दिन रात मुंह में पानी जैसा आते रहता है, दिन रात मुंह में सलाइवा पानी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज बनता है, उसके साथ साथ उल्टी खट्टी ढकारें, इन सब लक्षणों के साथ अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को देखते हैं तो उसमें एसिटिक एसिड अच्छा रिजल्ट देगा आपको। रात दिन कलेजे में जलन और मुंह में जलनदार पानी आ जाना, बहुत ज्यादा लार बहना, और वहीं अगर रात के समय में ज्यादा लार बहता है तो हम एसिडिक एसिड के साथ साथ मर्क्सोल की तरफ भी देख सकते हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। एसिडिक एसिड के खांसी में भी हम देख सकते हैं कि क्रूप खांसी जो होता है, क्रूप कफिंग जो होता है, काली खांसी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसमें भी एसिटिक एसिड अच्छा काम करता है। जहां हम मरीज में देख सकते हैं कि सांस लेने और छोड़ने में साए साए जैसी, फेफड़े से साए साए जैसी आवाज आती है, और मरीज बतलाता है आपको कि सांस लेने समय उसका खांसी उखड़ता है, उसका खांसी शुरू होता है सांस लेने वक्त, यह भी एसिटिक एसिड का एक महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि एसिटिक एसिड क्रूप खांसी के लास्ट स्टेज के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। वैसे तो आपने सुना होगा कि सेब के सिरके से भी क्रूप खांसी जो है वो बहुत ठीक रहता है, बहुत लाभ लाभ पहुंचता है मरीज को, और उसी के तर्ज पर आप एसिटिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में डॉक्टर्स, तो हमें क्या है कि एसिटिक एसिड का एक बहुत अच्छा लक्षण है कि किसी भी तरह के गलत पॉल्यूशन के वजह से, धुएं के वजह से हुआ, वो एलपीजी वगैरह का मतलब गैस का धुआं है, कोयला का धुआं है, किसी भी तरह के पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड एरिया में रहने के वजह से जो आपको श्वास यंत्र में किसी तरह का प्रॉब्लम आए, मतलब पॉल्यूशन के वजह से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट जो आपके बॉडी पर आया है, उसको एसिटिक एसिड बहुत बेहतरीन तरीका से दूर करता है। ऐसा देखा गया है डॉक्टर्स कि रक्त स्राव में, यानी कि ब्लड हेमरेज में चाइना के बाद, और ड्रॉपसी यानी ओएडिमा सोथ में, सूजन में डिजिटेलिस के बाद एसिटिक एसिड का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है। एसिटिक एसिड हमें यूज करना चाहिए। एसिटिक एसिड में एक और खास बात क्या है डॉक्टर्स कि एसिटिक एसिड आर्निका, बेलाडोना, लाइकेसिस, मर्क्सोल इन दवाओं के सिम्टम्स को, लक्षणों को बढ़ा देता है। इसीलिए हमें जब भी मेडिसिन का चुनाव करना है तो सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए ही चुनाव करना है। खास करके एसिटिक एसिड जो है बेलाडोना के सिरदर्द को बढ़ा देता है। एसिटिक एसिड के पोटेंसी के बारे में बात करें कि एसिटिक एसिड में कौन सी पोटेंसी बेहतर है, तो मेरे समझे तो एसिटिक एसिड 200 सबसे बेहतरीन रिजल्ट देती है। मैं भी यूज करता हूँ एसिटिक एसिड बहुत सारे पेशेंट्स पर, और 200 पोटेंसी यूज करता हूँ और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है डॉक्टर्स।